दोस्तों आपने विंडोज में कई बार ऐसा प्रॉब्लम तो जरूर फेस किया होगा कि आप एक फाइल को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन आपको परमिशन नहीं मिलता विंडोज से। हर बार कुछ आपके पास समझ लीजिए कि एक फाइल है ऐसा और आप इसे डिलीट करना चाहते हो। जब डिलीट करना चाहते हो तो फिर एक एरर आता है कुछ ऐसा, और यहाँ पे ट्राई अगेन लिखा हुआ होता है। दोस्तों ट्राई अगेन दबाने के बाद भी जब आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो, फिर हमें कैसे मतलब पता चले कि हम कैसे इसे डिलीट करें। इसे डिलीट करने का कुछ उपाय जरूर होता है, वो है पहला तो परमिशंस का और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर से, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से। दोस्तों परमिशन वाले जो उपाय होते हैं वो कई बार काम नहीं आते, क्योंकि विंडोज का कुछ पहले से डिफॉल्ट परमिशन होता है कि विंडोज खुद से ही वो फाइल कंट्रोल करेगा, वो फाइल यूजर को डिलीट नहीं करने देगा। और कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ परमिशन ऐसे होते हैं जो कि यूजर अगर चाहे तो परमिशन खुद से ले सकता है विंडोज से। कि अगर आप देख सकते हो कि एक जो फाइल था आपके पास, उस फाइल में अगर आप राइट क्लिक करोगे उस फाइल के ऊपर, तो आपके प्रॉपर्टीज वाला एक ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हो ये फाइल है मेरे पास समझ लीजिए, और इसमें मैंने अगर राइट क्लिक किया तो फिर ऐसा एक लिस्ट आएगा, ये लिस्ट आएगा दोस्तों। इस लिस्ट के आखिर में, एकदम आखिर में आप देख सकोगे कि प्रॉपर्टीज नाम का एक ऑप्शन है, उसमें अगर जाओगे उसमें सिक्योरिटीज नाम का एक टैब होगा दोस्तों। उस सिक्योरिटीज टैब में जाके आप परमिशन खुद से ले सकते हो या फिर परमिशन मॉडिफाई कर सकते हो। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं आता या फिर प्रोसेस में समझ लीजिए कि आपने ये प्रोसेस किया फिर भी काम नहीं आ रहा, फिर से वही एरर दिखा रहा है, तो फिर हम कैसे करें। ये करने का एक और उपाय है, वो है थर्ड पार्टी ऐप। दोस्तों थर्ड पार्टी ऐप क्या है? अब थर्ड पार्टी ऐप आता है, एक सॉफ्टवेयर नाम है उसका टेक ओनरशिप। उस एप्लीकेशन के थ्रू समझ लीजिए ये एक कंप्यूटर है दोस्तों, और ये है एक यूजर। कंप्यूटर कभी भी अपना अपने फाइल्स का परमिशन यूजर को नहीं देगा, समझ लीजिए आप। अब हम लोग, यूजर चाहता है कि कंप्यूटर के उस फाइल का जो है वो परमिशन ले ले। टेक ओनरशिप एक ऐसा सॉफ्टवेयर दोस्तों जो कि कंप्यूटर के उस फाइल के सारे परमिशंस कंप्यूटर से यूजर को दे देता है दोस्तों। अब ये कैसे करता है? ये CMD मतलब DOS के जरिए दोस्तों। DOS कुछ ऐसा होता है, काले स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है ऐसा। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सारे ऐसे फाइल्स के परमिशन ले सकते हो दोस्तों। तो फिर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करें और कितनी होगी इसकी साइज? बहुत ज्यादा होगी शायद? नहीं, बहुत कम है दोस्तों, कुछ KBs में होगा। लिंक से डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से उसे डाउनलोड करें, और अगर यूज करना चाहते हैं तो जरूर से यूज करें दोस्तों। और दिखाएंगे आज कैसे पूरा ये सॉफ्टवेयर यूज करता है, इंस्टॉलेशन कैसे रिमूव करते हैं इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के सिस्टम से अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो, और अगर इंस्टॉल कैसे करें और यूज भी कैसे करें इस सॉफ्टवेयर को किसी फाइल को डिलीट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप भट्टाचार्य, आप देख रहे हो टेकी TV। आइए शुरू करते हैं। डेस्कटॉप दोस्तों, और इस फाइल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मैं राइट क्लिक किया हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पे आप टेक ओनरशिप का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं इसे नॉर्मली डिलीट करूँगा ऐसे। यहाँ पे डिलीट है दोस्तों, आप देख सकते हो डिलीट, कंटिन्यू, और ये ट्राई अगेन। जितनी बार भी मैं कोशिश करूँगा ट्राई अगेन ही दिखाएगा। तो फिर कैसे मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ दोस्तों? रिसाइकल बिन में ले जाने की कोशिश किया मैंने, नहीं हुआ। ट्राई अगेन कर रहा हूँ, नहीं हुआ। अब कर सकते हैं तो क्या, टेक ओनरशिप को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। टेक ओनरशिप ये है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से आप उसे डाउनलोड करके यूज करें। और यहाँ पे मैं इसे खोल रहा हूँ, और यहाँ पे इंस्टॉल है, रिमूव है। इंस्टॉल मतलब टेक ओनरशिप को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना दोस्तों, और जो रिमूव है उसे, उसका मतलब जो होता है कि अपने कंप्यूटर से टेक ओनरशिप को हटा देना। तो मैं अभी इंस्टॉल करूंगा क्योंकि हमारे पास टेक ओनरशिप है ही नहीं। तो यहाँ पे मार्च राइट क्लिक करके मार्च पे क्लिक करें दोस्तों, यहाँ पे डबल क्लिक करें उसमें, और यहाँ पे परमिशन मांगेगा तो यस कर दीजिएगा, फिर यस, और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो फिर हम इसे इस विंडो को काट के बाहर आएंगे और फिर इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहले लेफ्ट क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें, और उसके बाद ये देखिए टेक ओनरशिप का एक ऑप्शन दिखा रहा है। तो फिर टेक ओनरशिप में आप क्लिक करें तो ये DOS ओपन करेगा कमांड प्रॉम्प्ट करने के लिए। आप यहाँ पे सिर्फ यस पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, यस। अब इसका ओनरशिप पूरा हमारा हो गया, इसका जो ओनरशिप है। अब मैं इसे डिलीट करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे हाथों में अथॉरिटी है दोस्तों। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसे ऐसे इसके ऊपर राइट क्लिक कर दिया दोस्तों, और उसके बाद डिलीट में जाऊँगा, और ये यहाँ पे डिलीट दिखा रहा है दोस्तों। क्या यस करें या फिर नो, यस कर देते हैं। तो रिसाइकल बिन में ये आ गया दोस्तों, रिसाइकल बिन ओपन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे से आप इसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो यही था वो प्रोसीजर दोस्तों, कैसे एक नॉट डिलीटेबल फाइल को डिलीट कर सकते हैं हम अपने PC से।
तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आई ये वीडियो तो फिर बड़ा सा थम्स अप दीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी सवाल है आपके मन में इस वीडियो को लेके, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अगर आप ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।